आसंता 10 तारीख रु राज्य समस्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय बंद करोना संक्रमण बढ़ुतु कटकणा को कड़ाकड़ी करिसंते सरकार मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज स्थित आ सब कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी बंद रहबो पिलांकर क्लास पई ऑनलाइन व्यवस्था करिबे कर्तृपक्ष छात्र छात्री मानुको समानकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य दृष्टि रु हॉस्टल न रहबा पई परामर्श दिया जैछि शिक्षागत कार्यकलाप पई जो छात्र छात्री हॉस्टल रहबा पई इच्छा करिबे से माने अंडरटेकिंग दे रहि परिबे राज्य में लागू होछि नुआ कोविड रो गाइडलाइन आज राज्य सब सहरांचल राति 9टा रु नाइट कर्फ्यू लागू हेबो यासदा ऑफिस सिनेमा हॉल 50% क्षमत चलो दुकान और मल मालिकों सरकार कड़ा निर्देश जपरी से गहली होना आदि सामाजिक कार्यक्रम में सर्वाधिक 100 जन जोगदे पारे तेज बरजात्री में सर्वाधिक 30 जन जापारे से अंत्येष्टिक्रिय सर्वाधिक 50 जन भाग नहीं पारे पिकनिक स्पट्रे भोजी को बारण कर कटक भुवनेश्वर नाइट कर्फ्यू को कड़ाकड़ी पालन पुलिस कमिशनर राति 9टा रु सका 5टा पर्यंत पुलिस पैंतरा मारिबो नियम भांगिले कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली चेतावनी देइछन्ति पुलिस कमिशनर नाइट कर्फ्यू समय रे समस्त होटल रेस्टोरेंट एवं दुकान बजार बंद रहिबो कोनोसी दुकान मॉल किंबा रेस्टोरेंट नियम खिलाफ कले अति कम रे 7 दिन पई बंद करा जइबो तो बीएमसी रे दैनिक 10,000 टेस्टिंग करने टार्गेट रखुं कर्तृपक्ष विमान बंदर में यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट बाध्यतामूलक बेले रेल स्टेशन में यात्री स्क्रीनिंग राज्य में बढ़ुछि कोविड संक्रमण 24 घंटा रे गतकाल अपेक्षा 800 उपरे लंफ मारी संक्रमण दिनक राज्य में चिन्हट हो 2703 नुआ आक्रांत क्वारंटाइन 1579 और लोकाल कंटाक्ट 1124 रोचे संक्रमितों मध्य 0-18 वर्ष मध्य रोच 409 मामला खोर्धु सर्वाधिक 926 जन आक्रांत चिन्हट होते सुंदरगढ़ जिलूर 454 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होती से कटक्रु 191 झारसुगुड़ 106 संबलपुर 179 नुआ मामला सामना को आसी स्वास्थ्य मंत्री को नव दास को करोना पॉजिटिव चिन्हट होती तेज कौन से लक्षण नथिबा से ट्वीट कर सूचना देखते करोना चिन्हट होगापर घरे संगरोधे अच्छा नव दास संक्रमण बढ़ुता राज्य में टीकाकरण को जोरदार कर राज्य में प्राय 3453 केन्द्र में चली टीकाकरण एथु 1191 टीकाकरण केन्द्र में 15-18 वर्ष टीका दिजाऊ प्राय 342,332 जन किशोर को टीका दिजा गड़ला पुरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव यह ट्रेन शुभारंभ करी हटिया पर्यंत 690 किलोमीटर दूर यात्रा कर प्राय 14 प्रमुख रेल स्टेशन को एही ट्रेन जोड़ केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज दिनिकिया कटक गस्त कर अवसर में से कटक रेल स्टेशन द्वितीय प्रवेश पथ लगे शिलान्यास कर सहित स्टेशन परिसर में विभिन्न उन्नतिकरण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन कर शिलान्यास पूर्व कटक रेल स्टेशन बुली देखते रेलमंत्री या सहित रेलमंत्री मां कटक चंडी मंदिर को जाई मां को दर्शन करने पर एक मोबाइल सेवा प्रदानकारी यूनिट को उद्घाटन कर आठगड़ माधपुर गोपबंधु आयुर्विज्ञान और गवेषणा केन्द्र परिसर में अत्याधुनिक मोबाइल हस्पिटाल रथ लोकार्पण करमंत्री अश्विनी वैष्णव ए मोबाइल यूनिट में डाक्तर नर्स ठू आरंभ कर समस्त मेडिकल सेवा उपलब्ध बोली मंत्री आज खोलला भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग उठा दोकान और व्यवसाय संघ मध्य चली बिवाद को नहीं गत 3 दिन है मार्केट बिल्डिंग बंद रही है एने आज बीएमसी ऑफिस घेराव कर सेंट्रल मार्केट संघ अतिरिक्त बीएमसी कमिशन सहित तो आलोचना पर मार्केट बिल्डिंग खोली मोबाइल नेटवर्क आसन निरा प्रतिवाद कलाहांडी लांजीगढ़ निर्वाचन मंडल बांधपारी गांव में बाउंस टावर या स्थानीय विधायकों उद्घाटन करने डाकि ग्रामवासी बांस निर्मित टावर निकट विधायक उद्घाटन करी बैनर लगी निर्वाचन मंडली गस्त विधायक प्रदीप दिशारे कितु ग्रामवासी एही चाल को बुझी पार विधायक पहुंचा पर स्थानीय लोक घेरी जाते भद्रक ओवरब्रिज निर्माण दाबी रेल लाइन धारणा चरंपा जगरा साई
ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଲିଗନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। 22ଟି ଟିମ୍ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବ। ଏନେଇ 15ଟି ସେକ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 533 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣନା କରାଯିବ। ଚଳିତଥର ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର ସୁକ୍ତୋଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ତରାଡ଼ି ଯାଏ ଏହି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ 30ଟି ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 38ଟି ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 17 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣନାର ଫଳାଫଳ 9 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଝାରେ ଜଣେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତସ୍କରୀ ଦେଓଗଡ଼ ତ୍ରିବେଣୀ ନିକଟ ଏନ୍ଏଚ୍ କଡ଼ରେ ଜେଲ୍ ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଛାଲ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତ, 1 କେଜି 770 ଗ୍ରାମର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିପଦରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥିବା ବାଲିବନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟନାରେ ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ, ଫଳରେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲିବନ୍ତ। ବାଲିବନ୍ତ ତାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପଛ ପାଖରେ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ରାତି ଅଧରେ ହଜାର ହଜାର ବାଲି ଟ୍ରିପ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଏହି ବାଲିବନ୍ତକୁ ତାଡ଼ି ନେବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁହୁଡ଼ିରେ ହଜିଗଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହୁଡ଼ି ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା 30 ମିଟର ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଏମିତିକି କୁହୁଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ଶୀତରାତ୍ରିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଫୁଟପାଥରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଚାଦର ସହାୟତାରେ ଏମାନେ ରାତି କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଟକ ସାଲେପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ପଡ଼ିଆରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। 5 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ମିଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭଳି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ପୋଲିସ ଚକମା ଦେଇ ଦାମୀ କାର୍ରେ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଏଭଳି 2ଟି କାର୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 71 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁଣୁପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିକ୍ରମପୁର ସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ଟପୋଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡୁଆ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କୋଲକାତା ବେଞ୍ଚ ଏକ ମାମଲାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଜିଟିରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜିଟି ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ତ୍ରିନାଥପୁର ମୀରାଦେବର ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଓସ୍ତପୁରରୁ ଦମ୍ପତିପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜୁ ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହିତ 5ଟି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦଳିତ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦଳର ନେତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
बालेश्वर जिला बालियापाड़ा ब्लॉक सम्मुखें सूचना अधिकार संघ पक्ष अनिर्दिष्ट काल पर्यंत गण धारणा दीजिए केतक योजन दुर्नीति होता अभियोग होते ब्लॉक तरफ आरटीआई माध्यम एने कौन तथ्य दिजा अभियोग बालेश्वर जिला चककरी ग्रामर नदी पठा को काटी हजार हजार ट्रिप माटी चोरा चलाण होया विरोध में आज ग्रामवासी जलेश्वर तहसिल अफिस् सम्मुखें सत्याग्रह करते अभियुक्त विरोध में कार्यानुषान नेवाई तहसिलदार प्रतिश्रुति पर ग्रामवासी धारणु ओहरी पारादीप एक सड़क दुर्घटन जन व्यक्ति मृत्यु मालवाही ट्रक बाइक को धक्का देवा मृत्यु हो ट्रक फेरार हो जाए दुर्घटन लाइव फुटेज आसी कोविड सचेतनता नहीं कंधमाला जिला बालीगुड़ा पुलिस पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन कर लोकों सचेतन ओमिक्रॉन संक्रमण चेन को भांगा सहित तो कोविड नियम पालन उपर आलोचना बालीगुड़ा विज्ञापित अंचल परिषद में 2 कोटी 12 लाख टंका विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम शुभारंभ कर विधायक चक्रमणि कहर मिनी स्टेडियम इंडोर बास्केटबॉल गृह शौचालय पुनरुद्धार एनएससी क्वार्टर निर्माण आदि कार्यर शुभारंभ कर विधायक सर्ट सर्किट जो जली जाए दुकान पखापाखि 1.5 लाख टंकार सामग्री पोड़ नष्ट अघट घटी कंधमाल जिला बंडगुड़ा ग्राम से दुकान कर फ्रिज गड्रेज समेत सब जिन पोड़ पाउंस रायगढ़ जिला मुनिगुड़ा थाना अंतर्गत मुनिखोल रेल फाटक निकटे ट्रेन पड़ जे युवक गुरुतर आहत होते से सूरत गंजाम जिला निज घर को फिर बेले एक दुर्घटना घटी एक स्थानीय मुतिगुड़ा स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर जाजपुर जिला चंडीखोल बाबा भैरवनाथ स्वयंशासित महाविद्यालय परिसर में शोभा पाउछि युद्ध टैंकर रुसियान मॉडल यह टैंकर पछरे रहुछि भारतीय मुक्ति युद्धर इतिहास 1972 मसीहा भारत पाकिस्तान युद्ध समय यह टैंकर को व्यवहार करा जाय जाजपुर जिला धर्मशाला पुलिस और स्पेशल स्क्वाड्र मिलित चढ़ऊ में धर्मशाला थाना नेउलपुर अंचल 250 लिटर किरोसिन जबत हो बेआईन किरोसिन रखी कारबार करुवा खबर पाई पुलिस चढ़ऊ कर किरोसिन जबत करने सहित दुजन को गिरफ्त कर दावी पूरण नहले कटक सहर को अंधारे रखा चेतावनी देते ठिका स्ट्रीट लाइट मरामति कर्मचारी संघ से एपर्यंत नियुक्ति पत्र मिल नाते 60,000 अधिक लाइट्र मरामति कर 24 जन कर्मचारी को नियुक्ति देने दावी कर आगामी पंचायत निर्वाचन में ओबीसी को संरक्षण प्रदान दावी आज रायगढ़ जिला बीजेपी पक्ष जिलापालों कार्यालय सम्मुखें धारणा देते राज्यपाल उद्देश्य एक दायपत्र उपजिलापालों को प्रदान करजेपी प्रतिनिधि दल कनिष्ठ शिक्षक आशायी प्रार्थी को निजुक्ति दावी नहीं आज रायगढ़ जिलापालों कार्यालय सम्मुखें संघ पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन कर जिलार प्राथमिक स्कूल खाली पड़ा शिक्षक पदवी में कनिष्ठ शिक्षक आशायी प्रार्थी को निजुक्ति देने दावी कर पुरी जिला गोल ब्लक बड़गांठे कौड़िया सफेई नलर पा निष्कासन ड्रेनेज कार्यर शिलान्यास कर मंत्री तुषारकांति बेहरा 1 कोटी 42 लाख टंकार प्रकल्प हेले 5 पंचायत लोके उपकृत हैं।